नमस्कार महोदय, आपके माध्यम से मैं हिंदू समाज के उन तमाम लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि देखिए सरस्वती पूजा रहा है, हाँ, जो ज्ञान की देवी है, हाँ, हंसवाहिनी है, हाँ, जिनके ज्ञान के रोशनी से पूरी दुनिया उजाला हुई, हाँ, अब लोग क्या करेंगे कि सरस्वती पूजा में एक दिन बजाएंगे, हाँ, कि बीना के बजैया सा तो सुर के रचैया, हाँ, उसके बाद दूसरा दिन ड्रामा करेंगे, हाँ, और जब विसर्जन होगा तो गाना बजाएंगे, हाँ, कि पतिया नथिया पटना बा और देवरा ढोली चटना बा। हम इसका घोर विरोधी हैं, इससे पहले भी विरोध किए थे। अश्लील गीत सुनना बंद कीजिए, गाना बंद कीजिए, और उन तमाम कलाकारों से निवेदन है कि जो साया और ब्लाउज का गाना गाते हैं एक बार अपना घर में अपनी माँ बहन के साथ भी सुने, उसके बाद बाहर में सबको सुनाए, अच्छा रहेगा। और बिहार में आप देखते हैं पहले गायकी जो होता था सब समाज के लोग सुनते थे, आज अहिरान बबुआन सब जाति पर, दलित महादलित पासवान सब लोग अपना अपना जात के कह रहे हैं कि हम जात बरियार हो, एकरा पर गाना। तो गीत को कलाकारी को जाति प्रथा से जोड़कर बिहार में और देश में उत्तर प्रदेश में एक विवाद का जरिया बनाया जाता है। हाँ, हरे दशरथ मांझी लिहलने अवतार ए बबुआ, तो हमर बिहार हुए भारत के सिंगार ए बबुआ, देशवा के खातिर चंदन हर देई दिल कई जान हो, अहो धन धन नावादा के सपूत जवान हो, अहो धन धन नावादा के। नमस्कार, मैं हूं गुलशन कुमार और आप देख रहे हैं मगध टाइम्स, और हमारे आज साथ में दो कलाकार हैं, बॉलीवुड वाले नहीं, ये बिहार वाले धर्मेंद्र और जितेंद्र हैं, कोई परिचय के मोहताज नहीं है, लोक गायक हैं और जमीनी कलाकार हैं। सोशल मीडिया पर और तो बहुत कलाकार देखे हैं जो मंचों पर आकर पसीना छूट जाता है गाना गा करके, यदि उनको माइक दिया जाए, हारमोनियम दे दिया जाए तो पसीना छूट जाता है सोशल मीडिया वाला बायक जो कलाकार हैं। लेकिन ये असली गायक जो है खाटी, जो भरत शर्मा जैसे गायक हैं, मंचों पर ही अपनी दिखाते हैं प्रैक्टिस जो है, मैंने प्रतिभा दिखाते हैं। स्वागत है मगध टाइम्स आपका भी, और आपके चैनल को जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो सब्सक्राइबर हैं, जो लाइक करते हैं, उन सबको मेरे तरफ से प्रणाम अभिनंदन और नौ वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं सबको, सभी को। क्या बात है, पूरा मगध में आप छा गए हैं, बड़ा बड़े नेता का कार्यक्रम होता है मंचों पर होता है, दोनों भाई का हम देखते हैं। छाने का सबसे बड़ा कारण ये है कि हम दोनों भाई कभी अश्लील गीत नहीं गाते हैं, समाज से जुड़ा हुआ मोटिवेशनल सॉन्ग गाते हैं, चाहे शिक्षा का हो, दहेज प्रथा का हो, नेताओं के लिए गीत, बिहार के विकास के लिए, देश के लिए राष्ट्रीय गीत, साक्षरता, बाल विवाह, दहेज प्रथा, तमाम चीज़ पर हम राष्ट्रीय, हम कभी अश्लील गीत गाकर अपने आप को हिट करने का काम नहीं किया है, ना तो कभी जीवन में करेंगे। तो जो समाज को एक नई संदेश दे, एक नई दिशा और दशा दे, हम वैसे गीत को ही गाते हैं, इसीलिए हम वायरल भले कम हैं लेकिन ज़मीन से जुड़े हैं और सब लोग का। बड़ी बात आपने कहा कि अश्लील नहीं गाई, बहन जो है परिवार में जो सुनते हैं वो गीत गाते हैं, जी, जी, है ना, हाँ। लेकिन आज के दौर में कलाकार जो होते हैं साया और फराक और यही चोली चड्डी का गाना गा कर वायरल हो रहे हैं। बिल्कुल, हम इसका घोर विरोधी हैं, इससे पहले भी विरोध किए थे। अश्लील गीत सुनना बंद कीजिए, गाना बंद कीजिए, और उन तमाम कलाकारों से निवेदन है कि जो साया और ब्लाउज का गाना गाते हैं एक बार अपना घर में अपनी माँ बहन के साथ भी सुने, उसके बाद बाहर में सबको सुनाए, अच्छा रहेगा। और बिहार में आप देखते हैं पहले गायकी जो होता था सब समाज के लोग सुनते थे, आज अहिरान बबुआन सब जाति पर, दलित महादलित पासवान सब लोग अपना अपना जात के कह रहे हैं कि हम जात बरियार हो, एकरा पर गाना। तो गीत को कलाकारी को जाति प्रथा से जोड़कर बिहार में और देश में उत्तर प्रदेश में एक विवाद का जरिया बनाया जाता है, कहता है कि बबुआन तोरा छूता हो, अहिरान तोरा पकड़ता हो, और ऐसे करने के बाद समाज में कलक उसका प्रभाव पड़ता है, और आज माँ बहन सब शर्मसार हैं। आप गंदा गाना सुनने के बाद हमारी माँ बहन जिस तरह से सांड को देख के या पागल कुत्ता को देख के घर में भागती है, जब डीजे में गंदा गाना बजता है गेट लगा के बंद होती है, क्या संगीत का ये भी रूप था, संस्कृति का ये भी रूप था? इस रूप का घोर विरोध मैं करता हूँ। गाना ऐसा होना चाहिए जिससे समाज में एक अलग प्रभाव पड़े, गाना ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अपनी माँ बहन को नहीं सुना सकें। बिल्कुल, संगीत को सुनना चाहिए, संगीत जो हमारे संस्कार है, और साम वेद में प्रमुखता लिखा गया है, साम वेद में पूरा वर्णन किया गया है, लेकिन हमारे बिहार के कलाकारों ने मैंने चीर हरण करने से कोई गुरेज नहीं छोड़ा, लगातार चीर हरण करते आ रहे हैं और लगातार संगीत को बर्बाद करने का काम किया है, चाहे भोजपुरी के सुपरस्टार जितने कलाकार हैं, मघी वाले जो हो जाएं, है ना, ये पंप जंप संप जो है मार मार के जो है ये बिहार की गरिमा को बर्बाद कर रहे हैं, दूषित करने का काम कर रहे हैं, लेकिन इस दौर में भी ये दोनों कलाकार हैं जो गाते हैं, सलील गाना गाते हैं और आप लोगों को समझिए कि परोसते हैं। ये सोशल मीडिया पर वायरल नहीं है लेकिन दिलों पर राज कर रहे हैं आप। जी, आपका आशीर्वाद है आप सब जनता भाइयों का, सब लोगों का,
कितना फीस लेते हैं आप एक मंच पर आने के लिए? बहुत कम फीस हमारा है, हम लोग जनरल फीस देते हैं, 30-35 हज़ार में चलाते हैं। 30-35 हज़ार में, जबकि बड़े बड़े जो कलाकार जो असली गाना गाते हैं वो 2 लाख 4 लाख 5 लाख 6 लाख लेते हैं। पापा स्टार, ये स्टार, वो स्टार, मैंने पत्रकार महोदय आपके माध्यम से मैं हिंदू समाज के उन तमाम लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि देखिए सरस्वती पूजा रहा है, जो ज्ञान की देवी है, हंसवाहिनी है, जिनके ज्ञान के रोशनी से पूरी दुनिया उजाला हुई। अब लोग क्या करेंगे कि सरस्वती पूजा में एक दिन बजाएंगे कि बीना के बजैया सा तो सुर के रचैया, उसके बाद दूसरा दिन ड्रामा करेंगे और जब विसर्जन होगा तो गाना बजाएंगे कि पतिया नथिया पटना बा और देवरा ढोली चटना बा। अरे शर्म करो, एक तरफ से तुम नारी का पूजा करते हो और दूसरे जो माँ बहन के रूप में, भौजाई के रूप में तुम्हारे घर में नारी है उसको ढोली चाटने वाला गाना सुना ते हो, माता जी का विसर्जन करते हो, कितना खुश रहेगी तुम पर सरस्वती माता? ये विषय है, बड़ी बात आपने बहुत बड़ी बात है जी। जो गरिमा बचाना चाहिए, जो कलाकारों को कहा जाता है कलाकार जो होते हैं आइडियल होते हैं, समाज में अच्छाई बुराइयों को दिखाते हैं, संगीत के माध्यम से परोसते हैं, लेकिन कहीं न कहीं अच्छाई तो दूर की बात है, बुराई परोसते हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल है ना, गंदा गंदा गाना गा के लोग बजाने वाले हो, कभी समाज के लोग भी कम दोषी नहीं है। अच्छा गाना हो जाए हमारे दर्शक के लिए जी, बिल्कुल गाना मैं गीत सुनाता हूँ, बिहार के ऊपर है, बड़ा बढ़िया गीत है कि कैसे बिहार में कैसे कैसे लोगों ने पैदा लेकर इस बिहार को गौरवान्वित किया, और बिना बिहार के भारत का दुनिया का सिंगार अधूरा है, फीका है। दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी देश में जाइए आपको बिहारी जरूर मिलेगा, इसलिए मैं बड़ा सुंदर गीत है जो लोक धुन नवादा का धुन है, मगैया हम लोग आते हैं। आइए कि जहाँ हरे दशरथ मांझी लिहलने अवतार ए बबुआ, तो हमर बिहार हुए भारत के सिंगार रे बबुआ, हमर बिहार हुए भारत के सिंगार रे बबुआ। राजौली पर्वत पर बाटे ऋषि मुनि के डेरा, घना घोर जंगल में करे चिड़िया रैन बसेरा। हरे तहाँ लव कुश लिहले, कुछ लोग का कहना है कि मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी में लव कुश का अवतार हुआ था, लेकिन नवादा जिला में मेस्कौर सीतामढ़ी में लव कुश का अवतार हुआ था। इसलिए मैं अपने गीत के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जहाँ लव कुश लिहले अवतार ए बबुआ, हमर बिहार हुए भारत के सिंगार रे बबुआ। जहाँ जरासंध लिहलने अवतार ए बबुआ, हमर बिहार हुए भारत के सिंगार रे बबुआ। बोध गया में बुद्ध भगवान के मिलल भैया ज्ञानवा, अब विष्णुपद के फल्गु नदी में हो भाई पिंड दनवा। ककोलत में बहै शीतल धार ए बबुआ, हमर बिहार हुए भारत के सिंगार रे बबुआ। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जमीनी स्तर की गाना है और ये मगध का गाना है, मगध जो है बहुत ही प्राचीन भाषा है मगध, और मगध के हमारे सम्राट जो है पूरे विश्व में समझिए छाए हुए थे। बिल्कुल बिल्कुल, मगध सम्राट जरासंध। और कुछ गाना हो जाए, बहुत तरह का गीत है। देखा कुछ दिन पहले नारो मुरार के एक हमारे बेटा जो शहीद हुए चंदन सिंह देश के लिए, ये हमारे लिए गर्व की बात है। एक तरफ हम दुखी भी थे कि हमने एक अपने जवान को खो दिया, लेकिन एक तरफ हमको खुशी भी था कि हमने एक वीर सपूत को खोया है। और हाँ, और उस पिता को मैं धन्यवाद नमन करता हूँ जिन्होंने कहा कि मेरा एक बेटा शहीद हुआ है लेकिन फिर भी हमारा 2 बेटा है, हम उसको भी भेजना चाहते हैं। उसके लिए एक गीत है, बहुत अच्छा। कि देशवा के खातिर चंदन अर दे दिल कई जान हो, अहो धन धन नवादा के सपूत जवान हो, अहो धन धन नवादा के। देशवा के खातिर चंदन, देशवा के खातिर चंदन दे दिल के जान हो, अहो धन धन नवादा के सपूत जवान हो, अहो धन धन नवादा के। एकता जवान दस दस के मरल कई, अपन भारत देशवा के लाज बचैल कई। बचा लेलन देशवा के, बचा लेलन देशवा के शान और गुमान हो, अहो धन धन नवादा के, धन धन नवादा के सपूत जवान हो, अहो धन धन नवादा। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप देख रहे थे लास्ट में देशभक्ति गीत से इन्होंने अंत किया, क्योंकि लास्ट में जो है हम लोग तिरंगे के नीचे सभी एक हैं, तो तिरंगे पर हम आ जाते हैं तो फिर जब बिल्कुल जब देश के लिए भारतीय हैं, जब देश के लिए की बात जब आती है तो हम एकता, तो फिर क्यों बटते हैं, क्यों जाति मजहब में क्यों हम बांटते हैं। मेरा कर्तव्य है कि जोड़ना,
हम जोड़ के चलें। स्वामी विवेकानंद ने पूरे विश्व को जोड़ने का काम किया। जी 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 बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जोड़ने की काम कीजिए। आप देख रहे थे मगर